लेट अस टेक अप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। सो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। इफ सीक्वेंस एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट टू एफ एक्स ऑन ए कोमा बी एंड ईच एफ एन एक्स इज इंटीग्रेबल ऑन ए कोमा बी देन लिमिट फंक्शन देन लिमिट फंक्शन एफ एक्स इज ऑल्सो इंटीग्रेबल ऑन ए कोमा बी, ठीक है। कहने का मतलब है अगर सीक्वेंस एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है किसी फंक्शन एफ एक्स को, लिमिट फंक्शन एफ एक्स को ऑन ए कोमा बी, और इसका जो इस टर्म है सीक्वेंस का वो इंटीग्रेबल है, तो जो लिमिट फंक्शन आएगा वो भी इंटीग्रेबल होगा इन द क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, ठीक है। सिमिलरली सीरीज के लिए भी बोल सकते हैं, इफ सीरीज समेशन एफ एन एक्स वेयर एन इज नेचुरल नंबर इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू सम फंक्शन लेट अस डिनोट दिस बाय एस एक्स ऑन ए कॉमा बी एंड इफ ईच टर्म एफ एन एक्स ऑफ सीरीज इज इंटीग्रेबल देन सम फंक्शन इज ऑल्सो इंटीग्रेबल ऑन ए कोमा बी, ठीक है। अच्छा देखो इसमें एक चीज ये हो सकती है कि डायरेक्टली ऐसा ना देखे कि एफ एन इंटीग्रेबल है, ऐसा कुछ बोला जा सकता है ना कि एफ एन कंटिन्यूस है। अगर एफ एन कंटिन्यूस है तो ऑफकोर्स इट विल बी इंटीग्रेबल इवन इफ एफ एन हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज, बट द लिमिट पॉइंट ऑफ दोज सेट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज इज फाइनाइट इन नंबर देन विल से दैट फंक्शन इज इंटीग्रेबल दैट आई हैव डिस्कस्ड इन रेमन इंटीग्रेबल कॉन्सेप्ट, ओके। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, जैसे विल टेक दिस टू क्वेश्चन और ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। दिस इज जीरो टू वन एक्स पावर एन, ओके। सो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है, सो सिंपल से या देखो इसको अगर सिंबॉलिकली देखें, ये जो भी हमने स्टेटमेंट लिखा है इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जैसे मान लो हमारे पास जैसे सीरीज वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जैसे ये सीरीज है हमारे पास एफ एन एक्स समेशन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए ए से बी के बीच में, ठीक है, देन दिस विल बी इक्वल टू वॉट, दिस विल बी इक्वल टू कि ये जो है ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स और समेशन आ जाए बाहर समेशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ये जो रामायण हमने लिखी इसका मतलब ये हो, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज दिस, बेसिकली इंटीग्रेशन साइन एंड समेशन आर इंटरचेंजेबल, ठीक है। दिस इज वॉट दिस स्टेटमेंट मीन्स, ठीक है। अच्छा फर्दर
इफ लिमिट फंक्शन और सम फंक्शन इज इंटीग्रेबल दैट डजेंट मीन दैट द सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और सिक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दैट इज नॉट नेसेसरी दिस इज ओनली एन सफिशियंट कंडीशन. ओके सो ऑफ कोर्स विल यूज इट फॉर निगेशन. Negation in the sense that when let us say the limit function or some function is not integrable, then we'll say ki of course the sequence and series cannot be uniformly convergent. Otherwise, for integrable terms, for a sequence of integrable terms or a series of integrable terms, the limit or some function should be integrable. Then only the sequence and series will be uniformly convergent. Okay. सो बेसिकली ये जो लिमिट कंटिन्यूटी इंटीग्रेशन ऑल इन ऑल दिस थिंग्स द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इज नॉट नेसेसरी दिस इज ओनली एन सफिशिएंट कंडीशन. ठीक है सो ओके सो लेट अस टेक दिस फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन so if we could show that this xn divided by n cube in 0 comma 1 if this series is uniformly convergent then we can extend the summation and integration sign. theek hai so that's the only thing we need to do. theek hai is type se direct question aayega to isko dekh ke ye chamakna chahiye ki ye uniform in convergence ka question. theek so dekho yeah summation x power n divided by n power 3 वेर एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. ठीक है सो देखो एंड फर्दर एक्स इज फ्रॉम 0 टू 1 सो फोर एक्स बिलोंग्स टू 0 कोमा 1 एक्स एन का मॉडुलस विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 और वी कैन से दैट मॉडुलस एक्स एन डिवाइड बाई एन क्यूब इसका जो मॉडुलस होगा that will be always less than equals to 1 by n की power 3. ठीक है और वी कैन से दैट समेशन एक्स पावर एन डिवाइड बाई एन क्यू का मॉडुलस विल बी ऑलवेज लेस देन समेशन 1 बाई एन पावर 3 वेर एन इज नेचुरल नंबर. ठीक एंड दिस इज कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट बाई टी टेस्ट बाई इफ a series 1 divided by n power p is always convergent for p greater than 1. so from that we can say 3 is of course greater than 1 so this is convergent. so overall what we can say by Mn test by Weier Strauss Mn test summation x power n divided by n cube where n is natural number is normally convergent or we can say uniformly convergent is uniformly convergent. so what we can do that we can interchange sign of summation with integration. ठीक है so integration 0 से 1 summation x power n divided by n power 3 where n varies from 1 to infinity dx can be written as summation ले लो बार वेर एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ले लो अंदर 0 से 1 एक्स की पावर एन एन क्यूब डी एक्स. ठीक है सो दिस विल बी समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी देखो एक्स की पावर एन क्या होगा एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 एन की पावर 3 इज ऑलरेडी देयर एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 1 so this is summation n varies from 1 to infinity. देखो when x is 0 then this will be 0 because n is natural number so of course n plus 1 will be always greater than 0. so when we put x 1 then this is 1 divided by n plus 1 into n cube और यही हमें प्रूव करना है राइट दिस इज वॉट वी आर आस्क्ड प्रूव. ठीक है सो हैंस प्रूव. ओके आई होप ये क्लियर है. Let's do this question. This is good question. Easy, but थोड़ा अलग टाइप का है ठीक है. देखो इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे हमें कमेंट करना है. कमेंट ऑन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ एफ एन एक्स ठीक है इन 0,1. सो देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम. देखो यहाँ से ये तो समझ में आता है. देखो जब ये दिस इज़
या दिस इज़ वन बाई एन। देखो यहाँ पे व्हेन वी पुट एक्स इक्वल्स टू वन बाई एन तो दिस विल बी एन। हियर इफ वी पुट एक्स इक्वल्स टू वन बाई एन देन दिस इज अगेन या दिस इज एन वन बाई एन देन दिस इज अगेन एन। सो दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू वन बाई एन एंड एट टू एक्स इक्वल्स टू टू बाई एन। इफ वी पुट टू बाई एन दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो। सो बेसिकली दिस फंक्शन इज एफ एन एक्स इज कंटिन्यूस इन जीरो कॉमा वन। ठीक है, दिस वी कैन सी फ्रॉम दिस। ओके नाउ लिमिट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा। देखो व्हेन एन टेंस टू इन्फिनिटी सो दिस दिस विल अप्रोच टुवर्ड जीरो। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू अच्छा व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो देन दिस डेफिनेशन विल बी फॉलोड। एक्स इक्वल्स टू जीरो व्हेन वी पुट एक्स जीरो देन दिस इज जीरो। ठीक है, और इन दिस केस व्हेन एन टेंस टू इन्फिनिटी देन दिस विल अप्रोच टुवर्ड जीरो। सो जीरो लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन व्हेन एन टेंस टू इन्फिनिटी दिस इंटरवल विल बी फॉलोड सो दैट इज जीरो। ठीक है, एंड फॉर दिस व्हेन एन टेंस टू इन्फिनिटी तो ये क्या आएगा, जीरो लेस देन एक्स लेस देन जीरो, सो इट वॉन्ट बी वैलिड फॉर एनी इंटरवल इनफैक्ट। ठीक है, सो ये तो काम ही नहीं आएगा हमारे पास। सो बेसिकली जीरो से वन के बीच हमने डिफाइन कर दिया, जो लिमिट फंक्शन हमारा आया वो क्या आ गया, यूनिफॉर्मली जीरो आ गया, नॉट यूनिफॉर्मली मतलब ये जीरो आ गया। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से दैट एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जीरो कॉमा वन, ये आ गया हमारे पास। नाउ वी हैव टू सी दैट इफ दिस वैल्यू इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट वैल्यू ऑफ एफ एन एक्स और नॉट। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, देखो ईच टर्म ऑफ दिस सिक्वेंस एफ एन एक्स इज कंटिन्यूस। सो व्हाट वी कैन से, सो एफ एन एक्स इज इंटीग्रेबल ऑन जीरो कॉमा वन, इट विल बी इंटीग्रेबल ऑफकोर्स बिकॉज इट इज कंटिन्यूस। सो नाउ इफ वी सी, सो यार नाउ इंटीग्रेशन जीरो से वन एफ एन एक्स डी एक्स, ये क्या होगा, जीरो से लेके वन बाई एन तक अलग इंटरवल है, वन बाई एन से टू बाई एन तक अलग इंटरवल है एंड टू बाई एन से वन तक अलग इंटरवल है। ठीक है, सो जीरो से वन बाई एन के बीच में जो एफ एन एक्स की वैल्यू वो क्या है, दैट इज एन स्क्वायर एक्स, एन स्क्वायर एक्स दिस इज एन स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड दिस इज माइनस एन स्क्वायर एक्स प्लस एन डी एक्स एंड दिस इज जीरो। टू बाई एन टू वन इज जीरो, राइट? या दिस इज टू एन बेसिकली प्लस टू एन। ओके, सो इफ वी इंटीग्रेट दिस दिस इज एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट जीरो से वन बाई एन प्लस माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू अगेन लिमिट इज वन बाई एन से टू बाई एन। ठीक है, प्लस टू एन एक्स लिमिट इज वन बाई एन से टू बाई एन एंड दिस इज जीरो एनी वे। ठीक है, सो एंड हियर या नाउ इफ वी सी दिस दिस इज इफ यू वी पुट एक्स एज वन बाई एन देन दिस इज वन बाई टू एंड जीरो इट विल जीरो व्हेन वी पुट एक्स एज टू बाई एन then this will be minus 4 by n square, that is 2, 4 by n square, 4 by 2 is 2 and when we put this as 1 then this is 1 by 2. Okay, here if we put 2 by n so that is 4 minus 2. Okay, so ye 1 half and half is 1. Okay, minus 2 minus 2 plus 4, so this is 1. So what we have that 0 से 1 f n x dx is equals to 1. ठीक है, अब देखो also 0 से 1 f x dx, f x तो 0 आ गया, ये तो हमने कैलकुलेट किया, लिमिट फंक्शन तो 0 है, सो 0 से 1 0 dx दैट इज 0। सो 0 से 1 f n x
इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इफ यू पुट हियर इज नॉट इक्वल्स टू 0 से 1 लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, यही हुआ ना इसका मतलब तो, और दिस इज नथिंग बट 0 से 1 दिस इज सम फंक्शन. ओके सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस, हेंस गिवन सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. आई होप ये क्लियर है. बिकॉज इफ सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती तो इंटीग्रेबल फंक्शन है उनके जो लिमिट फंक्शन है वो भी इंटीग्रेबल होना चाहिए था. ठीक है तो दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए थी. ठीक है वो ऐसा है नहीं. अच्छा इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और ऐड करनी है. वो क्या है, ये तो चीज़ वैलिड है ही. ठीक है दिस इज़ वैलिड है ना. देन द लिमिट फंक्शन इज ऑल्सो इंटीग्रेबल एंड ए टू एक्स एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस टू ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स. ठीक है दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके वेयर ऑफ कोर्स हियर एक्स इज बिटवीन ए कोमा बी. ठीक है ओके सो सिमिलरली इवन इन सीरीज वी कैन से दैट. ठीक है एंड समेशन एफ एन एक्स एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए टू एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू ए टू एक्स जो सम फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन. ठीक है वेयर एक्स इज ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ द बाउंडेड इंटरवल. ठीक है सो इवन द इंटीग्रेशन विल बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. ठीक है सो यहाँ पे ये वही यूज़ किया हमने. बेसिकली ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे तो ये इक्वल है नहीं. सो बेसिकली हमारी जो गिवन सीक्वेंस है दैट वोंट बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. आई होप ये समझ में आता है. सो दिस एंड्स दिस इंटीग्रेशन एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस.